वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और बहुत टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी पसंद करने के बाद अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिक्के को मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आप सामान नोट डाउन कर लीजिए। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पर चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद में मैंने स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया, जिससे इसका एक्सेस पानी जितना भी है वो सारा निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क चिकन हो जाए। तो चिकन हमारा बिल्कुल खुश्क है। अब इसके लिए पाउडर मसाले जो चाहिए, उसके लिए यहाँ पर हमने कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, क्यूमन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट है, नमक, रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर लिया है, ऑल स्पाइसेस पाउडर, ये चाट मसाला है, ये मेरा होममेड चाट मसाला है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये फूड कलर लिया है मैंने यहाँ पर, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दही लेंगे कर्ड, ये एकदम फ्रेश दही है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पर लेमन का जूस लिया है मैंने, नींबू का रस, बिल्कुल थोड़े से ऑयल का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो एक बोल में हम चिकन इसके मैरिनेशन का सब सामान मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने दही डाला और जितने भी पाउडर स्पाइसेस हैं ये सब हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें हम, नींबू का रस, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा मैरिनेशन का सामान बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए सब सामान इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में, जिससे मैरिनेशन का सब इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब तक ये अच्छे से मैरिनेट होता है हम चावल बॉईल करने रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने चावल बॉईल करने रख दिए हैं। अब इसमें हम सामान डालेंगे। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर बे लीफ है, तेज़पत्ता, हरी मिर्च है, ग्रीन चिली, सॉल्ट है, नमक, कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं हमने यहाँ पर, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर कॉर्न, क्यूमन सीड्स है, जीरा, स्टार एनीज है, बादियान का फूल, ग्रीन कार्डमम है, हरी इलायची, मेस है, जावित्री, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, क्लोव्स है, लौंग, ब्लैक कार्डमम है, काली इलायची। अब इन सबको हम चावलों में डाल देंगे। देखिए चावलों में हमने सबने ये डाल दिया है। अब इसे कवर कर देंगे हम, और इसे हमें तकरीबन 75% तक कुक करना है। और जब ये अच्छे से चावल पक जाएगा तो हम इसके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और चावलों को अलग करके रख लेंगे। देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करने के लिए गैस पे हमने पैन रख दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है इसमें। ये देखिए ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया, इसमें चिकन के एक एक पीसेस हम रख देंगे। सारे चिकन हमने इसमें लगा दिया है। अब इसमें जो मैरिनेशन का थोड़ा सा ये बचा था मैरिनेट, तो इसको भी हम चिकन के ऊपर ही डाल देंगे। देखिए इसको अभी हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक करेंगे, फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे फ्लिप कर देंगे। तो देखिए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है इसे फ्राई होते हुए। अब इसे हम पलट देंगे। सारे चिकन को हम ऐसे ही पलट देंगे। देखिए सारे चिकन को हमने फ्लिप कर दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे, इसे कवर करके रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता और इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए। देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका पानी जितना भी था सब बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है और चिकन भी हमारा पूरी तरह से टेंडर हो गया है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। देखिए ग्रेवी बनाने के लिए हमने प्याज ली है, अनियंस इसको स्लाइस में कट कर लिया है, ग्रीन चिली ये हरी मिर्च इसको भी कट कर लिया है, बेल लीव्स लिए हैं, तेज पत्ता कर लेंगे, दही, टमाटोज हैं, टमाटर, कुछ ऑल स्पाइसेस लिए हैं, ब्लैक पेपर कॉर्न है, काली मिर्च, क्यूमन सीड्स है, जीरा, स्टार एनीज है, बादियान के फूल, ग्रीन कार्डमम है, हरी इलायची, मेज है, जावित्री, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, क्लोव्स है, लौंग, ब्लैक कार्डमम है, मोटी इलायची, और इन दोनों इलायचियों के मैंने मुंह खोल दिए हैं लेकिन इतना खोला है कि इसके अंदर के जो बीज हैं वो बाहर नहीं निकले। पाउडर स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर, क्यूमन पाउडर है, जीरा पाउडर, सॉल्ट है, नमक, ये कसूरी मेथी है, ड्राई फेनुग्रीक लीफ, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि इसको किस तरह से सुखाया जाता है। इसके डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें ऑयल का हम यूज़ करेंगे, तो चलिए ग्रेवी को तैयार करते हैं। देखिए गैस पर एक पैन रख दिया है हमने, उसमें हम ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हाथ पे हीट आ रही है। अब इस स्टेज पर हम आधी प्याज इसमें डाल देंगे। देखिए आधी प्याज हमने इसमें डाल दी है, इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लेकिन अगर आपके पास गोल्डन ब्राउन फ्राइड वाली प्याज रखी हुई है तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए प्याज फ्राई होना शुरू हो गई है, अब इसको हम बस थोड़ा सा फ्राई और करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई, अब इसको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा फ्राई हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि फ्राई प्याज को निकालने के बाद में भी इसका फ्राई का प्रोसेस चालू रहता है और ये बहुत काली हो जाती है, इसलिए हम इसको इससे ज़्यादा फ्राई इसे नहीं करेंगे और इसको हम निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। अब इसमें हम बाकी की बची हुई प्याज डाल देंगे। इसे बस हमें हल्का सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन निकालने का, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम को हमने हाई पर कर रखा है। देखिए प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है, हल्की सी फ्राई हो गई है, सॉफ्ट हो गई है ये। अब इस स्टेज पर हम ये साबुत गरम मसाले डाल देंगे, प्याज के साथ इसे भी फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए, जिससे मसालों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो जाए। देखिए मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से रिलीज हो गया। इस स्टेज पर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, लेकिन अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे प्याज इसका लहसुन और अदरक का कच्चापन सारा निकल जाए। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गया। स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्च, तेज पत्ता डाल देंगे, टमाटर डालेंगे, सारे पाउडर स्पाइसेस डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मसालों को भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे मसाले अच्छे से बहुत अच्छी तरह भुन जाए और मसालों का जितना भी रॉ स्मेल है वो सारी निकल जाए। देखिए पानी में बॉईल आ गया, हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे जब तक मसाला हमारे अच्छे से भुन जाए, ऑयल सरफेस पे आ जाए। देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें दही डाल देंगे, दही को भी मिक्स करेंगे और इसके साथ भी इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। हमें इसके साथ इस तब तक भूनना है जब तक ऑयल दोबारा सरफेस पे नहीं आ जाता। फ्लेम हमने हाई पर कर रखी है। देखिए दही के साथ भी मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल दोबारा सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम ये चिकन टिक्का इसमें मिक्स कर देंगे। मसाले में इस चिकन को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए सारा चिकन को मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके रख देंगे हम लो टू मीडियम के बीच पे 5 मिनट के लिए, जैसे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से आ जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला और चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है एक दूसरे के में से, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। देखिए स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने बीच में एक एल्युमिनियम फॉइल रख दिया है, आप चाहें तो कोई भी स्टील की कटोरी रख सकते हैं। इसके ऊपर एक कोयला रख दिया मैंने, चारकोल, इसको गैस पर मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए
ऑयल डालने के बाद में इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जैसे इसका धुआं जो है चिकन में अच्छे से सेट हो जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, धुआं बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, देखिए कोयले को और एल्युमिनियम फॉइल को हम निकाल देंगे और अब हम बिरयानी की लेयरिंग शुरू करेंगे। देखिए लेयरिंग के लिए यहाँ पर चावल भी तैयार हैं, बॉयल चावल, ये 75% तक कुक हैं। चिकन टिक्का भी हमारा तैयार है ग्रेवी में, फ्राइड अनियंस भी तैयार हैं बिल्कुल। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर को केवड़ा वाटर में घोल के रख लिया है, उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। ग्रीन चिली लेंगे, हरी मिर्च, मिंट लीव्स है, पुदीना पत्ता, कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ता। तो चलिए अब इसकी लेयरिंग शुरू करते हैं। इसकी लेयरिंग करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, देखिए ये बर्तन ले लिया है हमने। अब इसमें हम टिक्का मसाले का मसाला डालेंगे थोड़ा सा, देखिए इसे मसाला डाल दिया है। अब इसमें हम चावल डालेंगे, अब इसमें थोड़ी सी फ्राइड प्याज डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पुदीना पत्ता। चावलों में अच्छा सा कलर डालने के लिए इसमें फूड कलर हम डालेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी लेयरिंग करेंगे, पहले इसमें मसाला हम डाल देंगे सारा, अब इसमें दोबारा से चावल की लेयरिंग करेंगे हम। अब इसमें बची हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया। इस बात का ध्यान है कि सबसे ऊपर की जो लेयरिंग होगी वो चावलों की होनी चाहिए। अब इसे पुदीना पत्ता हम डाल देंगे, बची हुई प्याज डालेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे, बाद में इसमें थोड़ा सा प्योर घी डालेंगे और इसे कवर करके रख देंगे हम। पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे 10 मिनट के लिए। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए गरम गरम चिकन टिक्का बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनती है और लेकिन बनने में इसमें वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब बन के चुकती है तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इस टिक्का बिरयानी को गरम गरम बनाइए और गरम गरम ही सर्व कीजिए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए। दुआओं में याद रखनी है, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।